अक्षय कुमार कसाला करेगा बॉलीवुड में डेब्यू। इस लड़की को कर रहा डेट अक्षय कुमार कसाला। करण कपाड़िया जल्दी ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहा है। वे फिल्म अजहर के डायरेक्टर टॉनी डिसूजा के प्रोडक्शन में बनने वाली मूवी से डेब्यू करेंगे। हालांकि अभी फिल्म का नाम तय नहीं हुआ है। बता दें कि करण ट्विंकल खन्ना के कजिन भाई है। वे ट्विंकल की मौसी यानी सिंपल कपाड़िया के बेटे हैं। सिंपल की मौत के बाद उन्हें डिंपल कपाड़िया ने पाला, जो रिश्ते में करण की मौसी लगती हैं। जब फिल्मों में एक्टिंग के बारे में बताया तो सभी चौंक गए थे। करण कपाड़िया ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया, मेरे सभी रिलेटिव स्टार्स हैं। जब मैं 14 साल का था तब मैंने सभी को बताया कि मैं भी एक्टिंग में अपना करियर बनना चाहता हूँ। सभी चौंक गए थे क्योंकि मैंने कभी भी फिल्मों में अपनी रुचि नहीं दिखाई थी। मैं हमेशा इनोवेटिव काम करने में विश्वास करता हूँ। हालांकि मेरी एक्टिंग में रुचि को देखकर सभी ने मुझे सपोर्ट किया। बता दें कि करण कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट निकिता गोसाई को डेट कर रहे हैं। उन्होंने निकिता और अपनी कई फोटोज इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर रखी है। करण कपाड़िया ने मात्र 16 साल की उम्र में डायरेक्टर राहुल ढोलकिया को असिस्ट किया था। करण ने बताया, जब मैंने फिल्मों में आने की सोची थी तब मैं 14 साल का था और मेरा वजन भी काफी था। तब मुझे लगा था कि फिल्मों के लिए मुझे अपना वजन कम करना होगा और रोल मांगने के लिए भटकना पड़ेगा। हालांकि अब मैं फिल्मों के लिए पूरी तरह से रेडी हूं और मैंने अपना वजन भी कम कर लिया है। करण कपाड़िया ने बताया कि उन्होंने फिल्मों में लीड रोल पाने के लिए कई ऑडिशन भी दिए हैं। कई जगह उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि उनमें हीरो बनने लायक कोई भी क्वालिटी नहीं है। वहीं कुछ जगह पर उन्हें पॉजिटिव रिएक्शन मिला। उन्होंने बताया कि जब आप स्टार फैमिली से रिलेट करते हैं तो कुछ जगह आपको फैमिली के नाम पर भी तवज्जो दी जाती है, लेकिन वे अपने दम पर फिल्मों में रोल पाना चाहते हैं। करण की मां सिंपल कपाड़िया फिल्मों में एक ट्रेस थी। हालांकि वे इंडस्ट्री में बतौर एक ट्रेस अपनी पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाई। फिल्मों में सफलता नहीं मिलने पर उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी और फैशन डिजाइनिंग का काम करने लगी। उन्होंने कई फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइन किए। फिल्म रुदाली के लिए सिंपल को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर का नेशनल अवार्ड मिला था। हालांकि 2006 में उन्हें कैंसर का पता चला था और 2009 में उनकी मौत हो गई। सिंपल ने 1977 में आई फिल्म अनुरोध से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म में उनके हीरो राजेश खन्ना थे।